अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये साहिवाल का हाजी अब्दुल क़य्यूम हस्पताल है। यहाँ तीन चार जमातों के साथियों को हर जमात से एक एक दो दो तीन तीन साथी निकाल के यहाँ उनको रखा हुआ है आइसोलेशन में, और इनके साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है और खाना भी सही नहीं दिया जा रहा, बहुत नाकिस खाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खाना है, दरवाज़े के पास खाना रख के वो चले जाते हैं कि आपने ख़ुद उठाना है, ख़ुद खाना है, और बर्तन आपने टोकरी के अंदर डाल देने हैं ताकि हमारा उसको हाथ ना लगे। और पानी भी गर्म पानी होता है, दिन में एक बार पानी दिया जाता है, बस वही पानी आपने सारा दिन पीना है कि दोबारा पानी भी। और बाहर से कोई चीज़ मंगानी है तो वो चीज़ ला कर देते नहीं है कि मैं कोई इजाज़त नहीं है, हमारे पैसे नहीं पकड़ते, हमारे पास नहीं आते, वो कोई बात नहीं करते। नर्सें आती हैं, वो टेम्परेचर चेक करके चले जाती हैं, वो भी कोई बात नहीं करती। और बहुत ज़्यादा का मामला किया जा रहा है, तीन चार दिन से यहाँ पड़े हुए हैं और साथ ही बिल्कुल ठीक ठाक है किसी, और इसका जो टेस्ट कोरोना का टेस्ट है वो भी हमें नहीं, रिपोर्ट उसकी नहीं दिखाएगी, बस ये कहा गया कि आप में शक क्या कोरोना का। उस शक की बिना पर हम सब साथियों को यहाँ ला के रखा हुआ है, और जो बाकी साथी हैं उनको एक स्कूल में बंद किया हुआ है, और वहाँ से भी दो साथी गायब हो चुके हैं। और मेहमान हैं नाइजीरिया के, दो दिन से उन्होंने कोई चीज़ नहीं खाई, और उन्हें कोई मसला नहीं, ना खांसी है, ना नज़ला है, ना ज़ुकाम है, बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी उनको रखा हुआ है। एक साथी है जो कि बेचारा वो माजूर है, तो उसके बाजू फ्रैक्चर है, तो पूरा महीना हो गया उनको उसको खुलवाना था, उसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही, ना कोई उनको दवाई दी जा रही है, बिल्कुल इलाज नहीं किया जा रहा है। और बाहर बिल्कुल बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, अंदर रहना है, खिड़की खोलने की इजाज़त नहीं कि बाहर से कोई हवा अंदर आ सके, और खाना ही बहुत नाकिस है। तो हुकूमत से गुजारिश है कि हमें यहाँ से जल्दी रहा किया जाए, और या हमें प्राइवेट रिपोर्ट करने दी जाए, और या हमें यहाँ जल्दी यहाँ से निकाला जाए। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएँ।